पे एलेक्स चलाते हुए ओपी हेडशॉट को, और सामने एक और बंदा आया बॉडी शॉट, एक और नॉक तो दो, और यहाँ पे याही के सामने और ले गए हेडशॉट, हेडशॉट आ पाएगा, और लेफ्ट से और एक हेड आ गया भाई, भी ओपी लेवल यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम डी ऑफिशियल, और मैं हूं ब्लैक्स आउट। तो आज आपके सामने होने वाला है टीम डी वर्सेस हॉटशॉट। जी हाँ, एक है टीम इंडिया की गिल्ड, तो दूसरी है हॉटशॉट की गिल्ड। तो हॉटशॉट की तरफ से हॉटशॉट 55, हॉटशॉट 11, हॉटशॉट 99, हॉटशॉट 77, तो सारे ओपी प्लेयर्स टीम हॉटशॉट के। और वहीं टीम डी की तरफ से इस बार आए हैं एलेक्स, याही और यंग वुल्फ को चेंज किया गया है, और आदि की जगह पर चौथे बंदे निंजा। तो ये है टीम डी की पूरी स्क्वाड विदाउट गन स्किन और विदाउट करेक्टर्स के लिए मैच चलता हुआ, टीम डी वर्सेस हॉटशॉट। तो हॉटशॉट के बंदों की बात करें तो एक बंदे को फंसा दिया है ग्लो बॉल में, और ये G1-18 से मजे ले रहे हैं, उनका नॉक कर दिया है। टीम डी के दो बंदे नॉक हैं यहाँ पे, और स्टार्टिंग में दबदबा बना लिया है यहाँ पे हॉटशॉट ने, निंजा और यंग वुल्फ बचे हैं, और एक बंदा नॉक है टीम हॉटशॉट का। तो दिक्कतें बढ़ गई हैं यहाँ पे टीम डी के लिए, दिक्कतें बढ़ गई हैं, और निंजा भी नॉक हो गए। तो हॉटशॉट के बंदे सारे जोशीले बंदे, सारे ओपी बंदे, देखते हैं कब तक ये मैच चलेगा। तीन बंदे बचे हैं हॉटशॉट के, और एक बंदा अकेला यंग बुल बचा है टीम डी की तरफ से। तो यहाँ पे पाकिस्तान की टीम आई हुई गिल्ड से, और पाकिस्तान के अंदर PSL कप चैंपियनशिप हुई थी, और उसमें इन्होंने चैंपियनशिप जीती थी, और सामने वाले को देखा कितना ओपी हेडशॉट मारा, पर लेफ्ट से कवर अप आ गया जल्दी, क्या हेडशॉट मारा हॉटशॉट इलेवन ने सामने पर, यही का कवर अप आता हुआ, 3v3 सिचुएशन आ खड़ी हुई है, ओपी हेडशॉट मारे, और हॉटशॉट 77 के लिए दिक्कत हो गई यहाँ पे। तो देखते हैं टीम डी कैसा खेलेगी, भारत की टीम आई हुई पाकिस्तान के अंदर फिर से, देखते हैं क्या होगा इस राउंड के अंदर। याही, और यहाँ पे एक और बंदा नॉक है टीम डी का, तो यहाँ पे एक और बंदा नॉक है, तो दिक्कतें बढ़ गई हैं, और हॉटशॉट पूरे इन मूड खेलते हुए एक बंदा बचा है टीम डी का जो खेले हैं याही। तो 1v2 सिचुएशन, 3 सिचुएशन आ खड़ी हुई है, तो लगता है ये जेली हॉटशॉट दूसरा मैच भी ले जाएगी, क्योंकि हॉटशॉट की टीम में भाई काफ़ी दम है, ओपी टीम गिल्ड और ओपी बंदों में से एक हॉटशॉट के सारे, और 1v2 सिचुएशन आ खड़ी हुई है। बात करें हॉटशॉट की, जितनी तारीफ करें उतनी कम, क्योंकि PSL चैंपियनशिप रह चुकी है हॉटशॉट, और प्लस दूसरी तरफ बात करें MG Season 4 जो कि फ्री फायर का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी चैंपियन रह चुके हैं, तो बंदे ओपी हैं सारे, 2-0 काफ़ी पुराने बंदे, लेजेंडरी बंदे सारे, देखते हैं कैसे परफॉर्म कर पाते हैं हॉटशॉट के बंदे, पाकिस्तान के बंदे, जो कि सिंगापुर सर्वर में मैच चलता हुआ टीम डी वर्सेज हॉटशॉट। तो यहाँ पे टीम डी के एक बंदा नॉक है हॉटशॉट का, बहुत बढ़िया, और यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बंदे को नॉक ले लिया याही ने अपने आप को रोक के, तो बहुत बढ़िया। इस बार हॉटशॉट पे थोड़ी दिक्कत आ गई है, तीन बंदे, हर एक बंदे की मूवमेंट देखने में बड़ी अच्छी लग रही है हॉटशॉट वाले की, हर एक बंदे के पास रफ्तार है, बहुत ज़्यादा रफ्तार है, और यहाँ पे एक और नॉक, तो याही को चलना होगा, याही चल पड़े हैं भाई, और यहाँ पे एक बंदा बचा है हॉटशॉट का जो कि अकेले हॉटशॉट 55 है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दिक्कत है, और 2-1 से आगे शॉट वालों को, और यहाँ पे हॉटशॉट के एक बंदा नॉक है, तो पूरा खत्म कर दिया है निंजा ने, तो और यहाँ पे दिक्कतें बढ़ गई हैं, जंप करके पूरी ट्राई करती है, बंदा हील कर रहा है नीचे, और यहाँ पे मार सकते हैं, और नीचे आ गया बॉल के नीचे है कौन, याही है, जी हाँ याही अपने आपको मेडिसिन लेते हुए। तो हॉटशॉट की टीम पूरी, दो बंदे बचे हैं हॉटशॉट के, हॉटशॉट 11 देखते हैं क्या करेंगे, और एक बंदे को नॉक कर दिया है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखाते हैं हॉटशॉट 11, और क्या मैच चल रहा है यहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और देखते हैं, और सामने दो बंदे हैं, और बॉडी शॉट अच्छा खासा खा लिया, 2 शॉट बहुत अच्छी चला रहे हैं, दो नलिए देखा है हमने, 2 शॉट में बंदे को लिटा दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा, 2v3 सिचुएशन आ खड़ी हुई है हॉटशॉट 99, देखते हैं क्या करेंगे, और यहाँ पे पूरी टीम प्रेशर कर रही है, पूरी टीम चढ़ रही है अकेले हॉटशॉट पर, पीछे से आके मजे ले सकते हैं, और मजे लेने स्टार्ट कर दिए, वॉल लगा लिए, बहुत अच्छा, हॉटशॉट 99, हॉटशॉट 11, और क्या बात है, हॉटशॉट 11 पीछे से मजे ले सकते हैं, और ले भी लिए हैं, और एक बंदे ने नॉक भी कर दिया है, बहुत प्यारा, और यहाँ पे यंग बुल पहली बार किसी कस्टम में आए, और पहली दूसरी किल कंफर्म कर दी है कस्टम में आके, और 2v1 सिचुएशन आ खड़ी हुई है सामने हॉटशॉट 99, और यहाँ पे हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान का मैच चलता हुआ फिर से आप सबके सामने, हॉटशॉट गिल्ड है इस बार टीम पाकिस्तान की, और अच्छा खासा डैमेज, 2-2 से बराबर, 2-2 की बराबरी, कोई भी टीम एक दूसरे को जीतने नहीं दे रही है, हॉटशॉट आई है पाकिस्तान की तरफ से, और वहीं टीम डी आई है अपनी इंडिया की तरफ से। तो भाई लोग सामने बंदा आ चुका है, तो क्या पाकिस्तान की टीम इंडिया की मेहमान नवाजी अच्छे से कर पाएगी, या फिर देखते हैं क्या होगा इस मैच के अंदर, क्या निर्णय रहेगा, क्या रिजल्ट आएगा एंड के टाइम पे, क्योंकि सारे बंदे अच्छे हैं हॉटशॉट के, तो काफ़ी अच्छा गेम चलता हुआ हर, ओ ये हेडशॉट देखो क्या हेडशॉट चिपकाते हुए, हर बंदे का ड्रैग लेवल ओपी नज़र देखने में नज़र आ रहा है, और यहाँ पे मूवमेंट भी अच्छी हर बंदे की, तो काफ़ी अच्छा गेम चलता हुआ। 5वां राउंड स्टार्ट है जो कि कटोल स्टीमा के अंदर है, और यहाँ पे एलेक्स चलाते हुए ओपी हेडशॉट, एलेक्स का सामने वाले घर में एक नॉक कर दिया है, बिना सोचे समझे आई थिंक रश कर देंगे एलेक्स यहाँ पे,
और यहाँ पे रश करते भी हुए और अपने बंदे को बचाने के लिए हॉटशॉट पूरा टाइम लगा देगी, जी जान लगा देगी अपने बंदे को बचाने के लिए हॉटशॉट के। और इस चक्कर में टीम डी ने अपने दो बंदे नॉक कर लिए। एलेक्स सीधे सीधा भाग रहे थे बंदे को नॉक करके, थोड़ा पेशेंस लेवल रखना चाहिए था, और हॉटशॉट ने इसी के मजे उठा लिए। और 4v2 सिचुएशन आ खड़ी हुई है, लगता है हॉटशॉट की टीम इस मैच को आराम से ले जाएगी। लग रहा है मेरे को 2v4 सिचुएशन है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और याही ने एक बंदे को नॉक कर दिया है तो काफी अच्छा निंजा। और याही बचते हुए हॉटशॉट के 77 आ चुके हैं सामने याही के, तो याही वर्सेस हॉटशॉट था। ओपी हेडशॉट इसको भी पड़ा, काफी अच्छा याही इनफॉर्म गाय। और यहाँ पे 2v2 सिचुएशन आ खड़ी हुई है, याही ने दो बंदों को अकेले संभाल लिया है। और हॉटशॉट 11 पूरा ड्रैग, क्या मूवमेंट दिखाती है हॉटशॉट 11, काफी अच्छा। और पूरा वेट कर रहे हैं बंदे का, तू निकल मैं हेडशॉट मारूंगा। और क्या मूवमेंट दिखा रहा है हॉटशॉट 11, क्या बात है, पाकिस्तान की बेस्ट गिल्डों में से एक हॉटशॉट और बेस्ट प्लेयर में से एक। और सामने निंजा है तो प्रेशर पूरा बना हुआ, और याही के सामने आ चुके हैं याही, और इनका मैच देखने लायक होगा। और ओपी हेडशॉट याही का, याही पूरे चढ़ के खेल रहे हैं भाई, बजा रहे हैं गंदा वाला। और यहाँ पे 1v1 सिचुएशन आ खड़ी है, निंजा को नॉक ले लिया है, कि याही पूरी स्क्वाड को लगा पाएंगे हॉटशॉट की ठिकाने। तीन बंदे नॉक करे लगातार और हील करने के लिए आ गए हैं, बहुत प्यारा हील अप करते हुए, ऐसा नहीं करेंगे हील क्योंकि जोन आ रहा है। और याही यहाँ पे नॉक, ओ भाई थोड़ी सी हेल्थ थी, 2-3 से आगे टीम आउट चल चुका है। छठा जो कि बना है केप टाउन के अंदर, और हॉटशॉट की टीम पाकिस्तान की गिल्ड बेस्ट गिल्डों में से होकर याही पीछे से आ गए हैं। जी हाँ, याही पीछे से देख गए हैं, कॉर्नर से आके एक बंदे को नॉक ले लिया है। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी रहती है हमेशा टीम डी की, हर एक बंदा अपने माइंड सेटअप से खेलता है, कोई बंदा सीधा सीधा नहीं जाता। और हॉटशॉट के बचे हैं तीन बंदे, तो हॉटशॉट के लिए दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। हॉटशॉट 11 का गेम देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि मूवमेंट अच्छी खासी दिखा रहे हैं, और हॉटशॉट 55 भी अच्छा खासा गेम दिखा रहे हैं। देखते हैं कब तक ये गेम प्ले चलेगा। 5 किल कर चुके हैं सबसे ज़्यादा हॉटशॉट टीम पाकिस्तान की तरफ से, हॉटशॉट की तरफ से। और यहाँ पे डैमेज देना स्टार्ट हो गया, बैठ गए, हवा में गोली चल गई है, और बंदे ने नॉक कर दिया, पक्का याही होंगे, और याही ले चुके हैं इनको। तो और सामने आ गए हैं हॉटशॉट 77 11 को नॉक कर लिया गया है, तो 1v4 सिचुएशन आ खड़ी हुई है। टीम डी की पूरी स्क्वाड चढ़ के खेलती हुई इस बार हॉटशॉट के ऊपर, सू के 2 राउंड जीते। और यहाँ पे ग्लू बॉल के चक्कर में गिलिच में फंसते हुए हॉटशॉट 77, ग्लू बॉल का इशू चलते हुए उनके साथ गिलिच, और यहाँ पे जीत लिया 4-2 से टीम डी, क्योंकि बंदे चैंपियन रह चुके हैं PSL लीग के, और प्लस MG Season 4 के भी चैंपियन रह चुके हैं। और यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर लिया है टीम डी के, जो कि हिंदुस्तान की गिल्ड है। और यहाँ पे दो बंदे, और यहाँ पे भर भर के हॉटशॉट 11 ने अच्छा खासा भूकंप सा बुला दिया है, एक साथ टीम डी के दो बंदे को कोने में दबा के मार दिया। और यहाँ पे दिक्कतें बढ़ गई हैं टीम डी के लिए, क्योंकि टीम डी के बच्चे हैं सिर्फ दो बंदे सामने हैं, निंजा और एलेक्स। निंजा और एलेक्स देखते हैं कब तक रुक पाते हैं। याही को नॉक के लिए, निंजा भी नॉक होने की कगार पे है पूरे, क्योंकि 1v2 सिचुएशन नहीं चल पाएगी 1v4। और एलेक्स पीछे भी हील कर रहे हैं, अपने आपको कवरअप दे रहे थे दूर से, और निंजा देखते हैं क्या कर पाते हैं। और 7वां राउंड अंदर आ गए, और हॉटशॉट की इनकी बात अलग चल रही है। हॉटशॉट 77 भी ओपी दिखा रहे हैं, 4 किल कर चुके हैं हॉटशॉट 99, 1 किल और 6 किल हॉटशॉट 11, ओपी मूवमेंट के साथ गेम प्ले चलता हुआ इनका। और इधर से हॉटशॉट 55 क्या गेम दिखा रही है पाकिस्तान की गिल्ड हॉटशॉट। और सामने बंदा है, पूरा ले जाएंगे बचे, और ले गए एलेक्स, अकेले एलेक्स बचे हैं। और क्या ड्रैग लेवल दिखाते हुए, MP40 चलाते हुए, 1v4 सिचुएशन है सामने, और हील कर लेंगे अपने आप को। और सामने एक और बंदा आया, बॉडी शॉट, एक और नॉक, तो दो बंदे नॉक कर दिए एक साथ एलेक्स ने, तो दिक्कतें बढ़ गई हैं यहाँ पे टीम डी के लिए, क्योंकि अकेला बंदा कब तक नचा पाएगा और शॉट की टीम को। और यहाँ पे खत्म, ओ क्या बॉल लगाई, 24 की हेल्थ है, 1-2 गोली की हेल्थ है बंदे की, तो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। लग रहा है हॉटशॉट इस राउंड को जीली ले जाएगी अपने आप, टीम डी वर्सेस टीम हॉटशॉट। और यहाँ पे 4-3-7 गेम प्ले दिखा रहा है, और याही के सामने है हॉटशॉट 77, सीधा वन टैप की पूरी ट्राई में सामने बंदा, और पीछे से याही को डैमेज पड़ते हुए नॉक हो जाएंगे, पीछे से कंटिन्यू डैमेज पड़ रहा है। और यहाँ पे दो बंदों की काफी हालत कम, और यहाँ पे हॉटशॉट के एक बंदा नॉक और टीम डी का एक बंदा नॉक, तो एलेक्स आ चुके हैं, एलेक्स को भी नॉक कर लिया है। और याही कब तक बच पाते हैं, हॉटशॉट 77 पूरा जो लगा के किल लेने की फ्राक में, और यहाँ पे यंग बुल्फ ने किल कन्फर्म कर दिया, तो पीछे से पढ़ते हुए यंग बुल्फ को देखते हैं क्या गेम दिखाते हैं यंग बुल्फ। 2 गोली, 2, और यहाँ पे एक और बंदा नॉक है टीम डी का, तो 2v3 सिचुएशन आ खड़ी हुई है। हॉटशॉट के बंदे यार काफ़ी ओवर लेवल गेम दिखा रहे हैं, टीम डी के ऊपर चढ़ चढ़ के खेल रहे हैं, और हॉटशॉट काफ़ी अच्छे प्लेयर सारे के सारे। और एक और बंदे को नॉक कर लिया हॉटशॉट का, ओपी हेडशॉट आता हुआ। और यहाँ पे याही सामने, और याही को ले जाएंगे, याही ले गए, 2v2 सिचुएशन आ गई है। और यहाँ पे यंग बुल्फ को भी नॉक कर लिया, तो अकेले याही बचे हैं यार, 1v2 सिचुएशन आ गई है। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चलता हुआ, टीम डी वर्सेस हॉटशॉट चलता हुआ, सामने बंदा है याही, और यहाँ पे याही के सामने, और ले गए हॉटशॉट, क्या बात है, 4-4 से बराबरी, 3 किल हॉटशॉट 11, हेडशॉट आ पाएगा। और लेफ्ट से और एक हेड आ गया, तो हॉटशॉट का एक बंदा नॉक हो गया स्टार्टिंग ग्राउंड में, दबदबा बनाती हुई टीम डी इस बार। और यहाँ पे हॉटशॉट 77 को ले लिया गया है, काफ़ी अच्छा गेम दिखाए थे हॉटशॉट 11 ने, 10 किल कर दी यार, बंदा ओपी लेवल मूवमेंट के साथ गेम दिखा रहा है हॉटशॉट 11। देखते हैं कब तक ये टीम रुक पाती है, 4v3 सिचुएशन है, क्या हॉटशॉट अकेले बचा पाएंगे पाकिस्तान की टीम को,
या फिर टीम इंडिया की टीम भारी पड़ेगी। और सामने वाले को भी दो हेड दे दिए, पर हाइट की वजह से हेड शॉट खा गए एलेक्स ने दे दिया। और 2v4 सिचुएशन आ खड़ी हुई है हॉट शॉट के लिए। और यहाँ पे एक और बंदे को नॉक कर दिया है हॉट शॉट 55 भी ओपी लेवल यार, एक और बंदा नॉक यार, क्या बात है। 5-4 से आगे टीम डी ओपी लेवल अच्छा खासा। और M82B के साथ रस करते हुए और यहाँ पे सामने एक और बंदा और एक कोड को देते हुए हॉट शॉट 11 भाई क्या डैमेज दिया, नॉक कर देंगे। ओ भाई क्या बात है हॉट शॉट, क्या बात है भाई। पाकिस्तान की ये टीम काफी भारी भरकम देखने में नजर आई है। और यहाँ पे एक और एलेक्स ने भी एक को नॉक ले लिया है, तो वह एक एक बंदे ने एक एक को ऐसे ही नॉक ले लिया। और यहाँ पे इनको नॉक कर लेंगे तो गेम बन जाएगा, क्या बात है। हॉट शॉट को नॉक कर लिया है तो 2v3 सिचुएशन आ गई है, टीम इंडिया चढ़ चुकी है 13 किल के साथ यही। और हॉट शॉट के 97 और 77 बचे हैं और टीम डी का एक बंदा नॉक है ऊपर जो भी है, जो कि निंजा को स्टार्टिंग में ही नॉक ले लिया गया था। दो गोली चला रहे थे, इनको देखना चाहिए था, एलेक्स इसको यूज करते हैं और सामने हैं। और यहाँ पे एक और बंदा नॉक है, 2v2 सिचुएशन, पाकिस्तान की टीम हार नहीं मान रही है, हिंदुस्तान पे भारी पड़ती हुई, क्या हिंदुस्तानी लौंडे कुछ कर पाएंगे। यहाँ पे लास्ट राउंड चलता हुआ 1v2 सिचुएशन आ खड़ी हुई है और याही को नॉक ले लिया, यंग बुल्फ को नॉक बच गए हैं और एलेक्स बैकअप देते हुए पूरा हॉट शॉट 77 कब तक बच पाएंगे देखने की बात होगी। ऊपर से कवर अप दे रहे हैं एलेक्स काफी अच्छा, जो कि M82V चला रहे हैं। और यहाँ पे सामने यंग बुल्फ है, 1v2 सिचुएशन है, क्या हॉट शॉट 77 कुछ कर पाएंगे 5 किल के साथ। और डैमेज एक पड़ गया है 77 का, ओ क्या वॉल लगाई, क्या रफ्तार। और बंदा सामने यंग बुल्फ बिल्कुल मौका ही नहीं दे रहे हैं बंदे को मारने का, एक सेकंड हिलने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। और यंग बुल्फ का हेड शॉट आता हुआ 6-4 से टीम डी ने टीम हॉट शॉट को हरा दिया और टीम हिंदुस्तान फिर से विजय रही। टीम पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा किल करी यही ना 13 किल, 6000 का डैमेज, 5500 का डैमेज यही हॉट शॉट 11 ने 11 किल करी और 3100 का डैमेज। और आज की वीडियो में बस इतना ही, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।